दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 80वां दिन है। सरकार पहले ही कानून के अमल पर रोक का प्रस्ताव रख चुकी है, लेकिन पिछले करीब 3 हफ्ते से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है। ऐसे में सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि मसले का समाधान बातचीत से ही होगा। एक अच्छा कदम सरकार पीछे हटे और एक कदम किसानों को पीछे हटना होगा। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। ते मसले का हल जिहड़ा वो गलबात राही होना है। एक कदम सरकार पिछे हटे ते एक कदम जिहड़ा है वो सानू भी जे पिछे हटना पैंदा है ते इहदे विच सियानप ही है। कोई माड़ी गल नहीं है, मसले का हल होवे ते सिख जिहड़े साढ़े उत्थे बैठे ने भारत के किसानों के नाल सारी किसान जिहड़े बैठे ने, चाहे वह गाजीपुर के बार्डर से है, चाहे वह सिंघू बार्डर से है, टिकरी बार्डर से है, सारे जिहड़े ने अपने अपने घर चाहुण, परिवारों चाहुण, बच्चों चाहुण। अकाल पुरख अगे अरदास भी है कि सच्चे पातशाह साढ़े सारे ही अंदोलन के शामिल जिहड़े किसान ने इन्हों समत भी बख्शे, हौसला भी बख्शे। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मसले का हल जिहड़ा वो गलबात राही ही होना है ते गलबात दे जिहड़े बदल है वो खुले रखे जाने चाहिए ने ते जिद जिहड़ी है उन्हें छड़ देना चाहिए ताकि मसले का सुखावा हल होवे ते असी अपने अपने घरे आईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।